Hi guys, assalamu alaikum. To kaise hain mere view ke parinde, main umeed karta hoon aap sab khairiyat se honge. CS101 Introduction to Computing Module number 51 and Operating System OS और प्रोसेस ऑफ द बूटिंग. बूटिंग जैसे कि हम कोई चीज़ को बूट अप नहीं करते, लोड करते हैं जैसे किसी चीज़ को. बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा टच ज़रूर करेंगे कि थोड़ा सा पता होना चाहिए, लेकिन इतना अहम नहीं है. इस पर आपने सर खपाई नहीं करनी. बेसिकली आप कोशिश करें कि साथ साथ अपनी PPT स्लाइड से ना आपको चीज़ को याद करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है. तो जब आपको चीज़ समझ आ जाए ना जल्दी से, तो वो आपको मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है. इसको करते हैं, अब थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ. सबसे पहले हमारे पास जो बूटिंग है वो होती क्या है. यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट ये है कि जो हमारे पास हमारा OS होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडो है, वो वाला प्रोसेस, वो वाला तरीकाकार जो हमारी विंडो को हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अंदर उसको एडजस्ट करवाता है, उसको बूटिंग कहते हैं. जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो थोड़ी सी देर मतलब पहले कंप्यूटर के ऊपर ऐसे कुछ निशान चल रहा होता है, विंडो का लोगो बना आता है, यानी कि उसको कहते हैं बूटिंग हो रही है. उसका क्या मतलब होता है कि जो आपका OS होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपका आपकी मेन मेमोरी के अंदर उसको इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है. इसका बेहतरीन कंसेप्ट आपको PPT स्लाइड से समझ आएगा. बूटिंग यानी कि स्टार्टअप जो उसका टाइम होता है, प्रोसीजर दैट ट्रांसफर द OS को जो फ्रॉम मास स्टोरेज से मेन मेमोरी में स्टोरेज करता है, इस प्रोसेस को, इस तरीकाकार को बूटिंग कहते हैं. बहुत ही ईजी है, यहाँ से आपको जल्दी बात समझ आ जाएगी, ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कोई एक दो क्विज. इसके लिए यहाँ पे देखिएगा, उसने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डेफिनेशन के तौर पर, यहाँ इसको रीड कीजिएगा, यहाँ पे भी उसने यही बात बताई है कि जब भी हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं ना, आपको एक बूटिंग का प्रोसेस शो होता है, ठीक है. उसके बाद की बात करता है कि इट इज द प्रोसीजर वगैरह वगैरह ट्रांसफर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब आपके मास स्टोरेज से आपकी परमानेंट जो स्टोर मेमोरी है उसके अंदर, या इन टू मेन मेमोरी के अंदर, यानी कि परमानेंटली स्टोर्ड मेमोरी से वो कहता है कि इसको आपकी जो हार्ड डिस्क वगैरह इसके अंदर वो स्टोर करता है, इसको वो बूटिंग कहते हैं. इस तरीकाकार को, इस प्रोसेस को, ठीक है. जैसे कि हमारी मशीन फर्स्ट टर्न ऑन करते हैं जब हम कंप्यूटर को, तो वही आपका प्रोसीजर है. यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी है, बेसिकली बस इतना सा ही है इसकी डेफिनेशन. बाकी यहाँ पे आपके पास जो परमानेंट मेमोरी होती है उसके अंदर हमारे पास रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसको रोम कहते हैं. यहाँ पे वो यही बात करता है कि जब हम फर्स्टली कंप्यूटर को ऑन करते हैं, फिर कंप्यूटर को, हमारे कंप्यूटर तो कभी कभी ऑन ही नहीं होते, माशाल्लाह होते इतने अच्छे हैं, कमज़ोर कंप्यूटर, तो लिहाजा जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग टाइम काफ़ी होता है. कुछ कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा देर बाद ऑन होते हैं, कुछ कंप्यूटर होते हैं फौरी ऑन हो जाते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं, आपकी रोम पे, जो रीड ओनली मेमोरी है. क्योंकि आपकी एक चीज़ जो है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक मतलब ये वाली स्पेस है, यहाँ से मेरी जो मेमोरी है कंप्यूटर की उसने इसमें स्टोर होना है, जो कि OS है, ठीक है. और दूसरा मतलब कि एक जूठी मूठी की कोई एग्जाम्पल बनाते हैं सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए, कि एक ये वाली है और दूसरा ये वाला स्टोरेज है, जिसको SSD हम हार्ड कह सकते हैं. एक नॉर्मल हार्ड होती है, इसमें फौरी तौर पे ना मतलब बूटिंग इसमें फास्ट हो जाती है. इसमें ये दोनों जो हार्ड होती हैं, इसको रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी. इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जो है क्विज के हवाले से और नॉलेज के हवाले से इंपॉर्टेंट. जैसे एक रैम होती है, एक रोम होती है, ठीक है. तो रोम के अंदर हमारी जो OS है उसने स्टोर होना होता है, ठीक है. ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ये आपने क्विज के तौर पर दो चार लाइन्स को पढ़ लेना अच्छे से, ताकि आपको क्विज के तौर पर क्लियर हो जाए. जैसे कि आज की मॉडर्न मशीन, इसमें सारा वो यही बताएगा कि हमारा जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है वो मतलब उसको हम इस प्रोसेस को बूट लोडर कहते हैं, जो कि हमारे इस काम को करने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोसेस को करने के लिए CPU के अंदर ट्रांसफर कर जाता है. रोम होती है मेमोरी में स्टोरेज, ये खूबसूरत दो चार बातें करेगा, जो कि हमारे पास नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, रोम. ये सारी चीज़ें आपको पहले ऑलरेडी पता होंगी कि रैम और रोम क्या होता है, ठीक है. तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बूटिंग होता क्या है, बूट लोडर या बूट लोडिंग. मैंने डेफिनेशन बता दी, और जो उसके लिए इस्तेमाल होने वाला वो प्रोसेस, जो तरीके के लिए जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं कि हम यहाँ पे बूट लोडर कहते हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्विज के हवाले से पढ़ लेना, बस एक ही चीज़ थी उसमें, ठीक है. और यहाँ पे ये भी देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, प्रोसेस एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. प्रोसेस तो आपको पता है वो जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होता है. जैसे कि हम किसी एकेडमी में जाते हैं तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होती है,
और प्रोसेस आपको पता है, यानी कि मैं अगर फ़र्ज़ करूँ कि मैं थ्री क्लास में अभी एडमिशन लेने चला जाता हूँ, तो मैं पहले एडमिनिस्ट्रेशन काउंटर पे जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी चीज़ें वगैरह उसको दे देता हूँ, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है। तो यही कंसेप्ट अपनी तरफ से बनाया करो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट करना होता है मशीन के साथ। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि यानी कि किसी चीज़ के साथ कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना। फ़र्ज़ करेंगे मैंने अपने कंप्यूटर को बोला कि यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे, ठीक है। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे ले गया, मैंने कहा यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये कितनी जल्दी मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब फौरी तौर पे एग्जीक्यूशन करके दे रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह जितनी भी है ओएस के साथ जो कोऑर्डिनेट होता है उसकी बात कर रहा है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, वैसे उसने एक बात लिखी है, इसको याद नहीं करना, सिर्फ पता होना चाहिए। उसके बाद प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस। अब हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, एक उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। यानी कि एक फ़र्ज करें कि एक खाना होता है और एक खाना होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। मेरे ख्याल से आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं। एक खाना मतलब ईटिंग, और एक होता है फूड, ठीक है, जो कि खाना। इसी तरह हमारे पास वो कहता है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर जो हमारे होते हैं उसके अंदर कहता है फ़र्क ये होता है कि एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम, जो कि हमारा प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। यानी कि एक प्रोग्राम है और उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि वो प्रोग्राम आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग करेगा, ये याद नहीं करना, सिर्फ पता होना चाहिए। स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक होता है पक्का काम, यानी कि जैसे स्टैटिक मेमोरी होती है, और एक डायनामिकली यानी कि एक आर्जी तौर पर डायनामिकली जो कि हरारी जो जिसमें होती है वो एक्टिविटीज़ होती हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी पता होनी चाहिए, याद नहीं करना, यानी कि ये क्विज आ सकता है। उसके बाद एनालॉगी वाले म्यूजिक शीट्स एग्जाम्पल है, छोड़ दें इसको भी। प्रोसेस क्या है, एक्टिविटीज ऑफ मतलब प्रोसेस क्या है, किसी भी चीज़ के कंप्यूटर के अंदर सिस्टम के अंदर काम करने की वो जो सलाहियत है ना, एग्जीक्यूटिंग, एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग, यानी कि एग्जीक्यूट करने की वो जो उसमें सरगर्मी है, वो जो हरकत है, वो जो उसमें एक्टिविटीज है, वो जो जोश है, उसको प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर काम करने की सलाहियत को प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी कि तुम्हारा कंप्यूटर थोड़ा तेज चलता है और मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद है हमारे पास जो प्रोसेसिंग की डेफिनेशन बताई, उसकी कुछ हालतें होती हैं, यानी कि स्टेट्स होती हैं। वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर, यानी कि पीछे हमने पढ़ लिया प्रोग्राम काउंटर कौन सा आता है, यानी कि जो काउंट कर करके नेक्स्ट स्टेप देता है। रजिस्टर भी हमने पीछे पढ़े हैं, ठीक है, वैल्यू रजिस्टर, यानी कि एक प्रोग्राम है वो काउंट करके नेक्स्ट वैल्यू स्टेप देता है अगले रजिस्टर को, और फिर उसके बाद अगला रजिस्टर, सो ऑन, ठीक है। और इसके साथ मेमोरी जो है वो एसोसिएट होती है। उसके बाद ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, टाइम कम है तो अगर आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इतने इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है नहीं है, लेकिन बस मैंने प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आप पीछे ये वाला टॉपिक कर चुके हैं पहले, इसमें मैं आपको सिर्फ क्विज बता देता हूँ। इसको बेसिकली आप स्किप कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, लेकिन इसमें एक दो क्विज मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपके पास प्रोसेस टेबल क्या होता है, और यहाँ पे एक दो हमारे पास चीज़ें हैं, ये वाला, और उसके बाद हमारे पास पैचर होता है, यहाँ पे एक होना चाहिए, आई डोंट नो कहाँ चला गया है, पैचर वेयर इज पैचर, और यहाँ पे इसको आप देखते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको पीपीटी स्लाइड से इसकी बात समझाता हूँ, छोटा सा ये है, इतना इंपॉर्टेंट मॉड्यूल नहीं है। हमारे पास जब प्रोसेसिंग करते हैं और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, हमारे पास प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक होता है स्केड्यूलर और एक होता है डिस्पैचर, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले हमारे पास स्केड्यूलर है, कहता है कि मेनटेन करता है रिकॉर्ड विच प्रोसेस एंड प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, जो हमारे पास मौजूदा हालत में हमारे पास जो भी रिकॉर्ड पड़ा होगा ना, जिसको हमने प्रोसेस करना है, मसलन कि हमें मौजूदा तौर पे हमें कहा गया कंप्यूटर को, हमने ये कमांड दे दी कि मेरी ये जो फलां चीज़ पड़ी हुई है ना, इसको प्लस कर दो, यानी इसको ऐड कर दो, या इसको मतलब कुछ सॉन्ग चला दो, तो मौजूदा रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करना, फिर उस पर प्रोसेसिंग करना, इसको स्केड्यूलर कहते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोसेस इसमें होता है, और रिमूवल ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस, ये दोनों इसकी आगे फर्दर कमांड है, यानी कि इंट्रोडक्शन करवाना है, न्यू प्रोसेस जो इसके अंदर होगा जो हमने कमांड दी है, या फिर आपके पास जो पहले पड़ा होगा उसको रिमूव करना, जैसे कि हम डिलीट कर देते हैं। ये एक प्रोसेस था जिसको हम स्केड्यूलर कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हल्का सा इसको आपने देख लेना, ठीक है। मेंटेन करता है ब्लॉक ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये वाला वो क्वीज आपको सम टाइम दे देता है। वो कहता है कि इंफॉर्मेशन इन द मेन मेमोरी, ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है और मेंटेन करता है ब्लॉक को इंफॉर्मेशन के, यानी इन्फॉर्मेशन का छोटा सा ब्लॉक है उसको इसने मेंटेन करना है, तो इसको सम टाइम वो कहता है प्रोसेस टेबल भी कहा जाता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके जहन में होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, इसको प्रोसेस टेबल भी कहता है। उसके बाद कहता है, यहाँ पे इस पर थोड़ा सा रीड कर लें, कहता है ईच टाइम एग्जीक्यूशन प्रोग्राम रिक्वेस्ट स्केड्यूलर क्रिएट द न्यू एंटिटी, यानी कि हर बार वो कहता है कि ये जो हमारा प्रोसेसर है, जो कंप्यूटर का दिमाग है, वो हर बार कहता है कि इसको कहता है कि न्यू जो एंटिटी है उसको क्रिएट कर दो, स्केड्यूलर को कहा जाता है। हर बार प्रोग्राम इसको ना क्या करता है, हदायत देता है, यानी इसको रिक्वेस्ट करता है, ठीक है,
this entity contains such information as memory area assigned to the process obtained from the memory. यानी कि जो उसको कहता है ना क्रिएट कर दो, वो कौन सी मेमोरी क्रिएट करवाना चाहता है, ये वाली. यानी कि वो कहता है कि सच इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी मेमोरी एरिया पे असाइंड की जाती है जिसमें हमने प्रोसेसिंग करनी होती है. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इतना सा प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको, ठीक है. उसके बाद वो बात करता है प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस एंड द वेदर द प्रोसेस इज रेडी और वेटिंग. अब बात करता है कि जो प्रायोरिटी हमने उसको बताई है यानी कि जो उसको बोला रिक्वेस्ट की है, क्या वो काम होने के लिए तैयार है या वेटिंग में है. तो कहता है प्रोसेस इज रेडी, अगर प्रोसेस हमारा रेडी है. इफ़ इट इज़ इन द स्टेट इन विच द प्रोग्रेस कैन कंटिन्यू, अगर हमारी इस कंडीशन में है कि हम उसकी प्रोग्रेस कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर उसको हम रेडी प्रोसेस कहेंगे. यानी कि अगर वो वर्क कर सकता है. इट इज़ द वेटिंग इफ, अगर हमारे पास वो प्रोग्राम करंटली डिले है, वो अभी काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको हम कौन सा पार्ट कहेंगे, वेटिंग प्रोसेस कहेंगे. ये रेडी प्रोसेस है, इसको वेटिंग प्रोसेस है. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हल्का सा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको. उसके बाद यहाँ पर डिस्पैचर, ये देखो आंखों के नीचे घूम रहा है जे माला, ये किधर घूम रहा था मेरे को नजर नहीं आया यार. कोई बात नहीं, अभी हम इसको देखते हैं. हल्का फुल्का सा ना जागते रहिएगा. वो एक आमिर खान की मूवी भी है, उसमें वो गली में अंकल घूमते हैं, वो कहते हैं जागते रहो, तो लिहाजा मेरा लेक्चर सुनते वक्त जागते रहो ताकि आपको जो है ना आसानी रहे. वो बात करता है कि डिस्पैचर इज द कंपोनेंट ऑफ द कर्नल, जो पीछे कर्नल हमने आपको पढ़ा दिया है, शायद आप लोगों को वो लेक्चर अभी तक नहीं मिला, आई एम सॉरी, आपको नहीं पता होगा. ये एक OS की ना एक, इसको आप गूगल कर लें ताकि ज़्यादा आसानी से बात समझेंगे. ये एक OS का एक पार्ट है, जैसे कि हमारा विंडो 10 है, विंडो 7 है, ये पुराने दौर में समझ लें कि पुराने दौर का विंडो है. दैट इसको यहाँ से हम कवर करते हैं. यहाँ से आपको आसानी से PPT स्लाइड से बात समझ बड़ी जल्दी आ जाती है. यहाँ पे डिस्पैचर कंपोनेंट होता है कर्नल, जो हमारे पास कर्नल था OS ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसका ये एक कंपोनेंट होता है. दैट ओवरसीज द प्रोसेस एग्जीक्यूशन, जो कि हमारी ओवरसीज करता है एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस होता है उसको ओवरसीज कर देता है. टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, स्लाइस, मिली और माइक्रो सेकंड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं. किसके अंदर? डिस्पैचर के अंदर. यानी कि इसने क्या काम करना होता है, इसने मल्टी प्रोग्रामिंग करनी होती है, इसने डिवाइड कर देना होता है टाइम को शॉर्ट सेगमेंट में, जो शॉर्ट सेगमेंट हमारा छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है, तो हर एक शॉर्ट टाइम को हम स्लाइस कहते हैं, ठीक है. और ये मतलब इस स्लाइस के अंदर मिली सेकंड के अंदर काम करवा देता है. कौन सा हिस्सा ये प्रोसेस करवा रहा है? डिस्पैचर, ठीक है. और उसके अंदर ये सारा पढ़ने काफ़ी ईजी है. उसके बाद ये सारी चीज़ें देख ली, क्या इंटरप्ट हो जाता है, इंटरप्ट हैंडलर कैसे किया जाता है, अगर कोई चीज़ हमारी इंटरप्ट कर जाती है प्रोसेसिंग की उसके अंदर, यानी कि टाइम सर्किट इसके अंदर जब यूज़ होते हैं, दैट इंडिकेट द एंड ऑफ द स्लाइस, जो कि स्लाइस का एंड होता है, बाय द जनरेटिंग द सिंगल कार्ड इंटरप्ट, ठीक है. और अगर इंटरप्ट हमारा मतलब प्रॉब्लम, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप खुद देख लें. इतना मतलब कुछ इसके हवाले से इंपॉर्टेंट है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह नहीं है. उसके बाद हमारे पास ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला मॉड्यूल मेरे ख्याल से स्किप कर दो, टाइम कम होगा. रिसोर्सेज क्या हैं, ये वैसे आप अपने तौर पे पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है. अपने तौर पे अगर आप इसको पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. जो असल आपका पेपर आता है ना, वो आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इसमें ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि इसको हम जो है नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर करें, और इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करते हैं, जिसके लिए इसमें हम मॉड्यूल नंबर 55 सेमाफोर्स और इसके पॉइंट्स और बाकी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट कवर करवाएंगे इंशाल्लाह. फॉकिंग और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान.